स्पेशल लीगल चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं भवप्रीत सिंह सोनी। आज मैं आपको बताऊंगा लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के बारे में, जो 2009 में आया था और 2011 में एनफोर्स हुआ था। क्या ये एक्ट है, और अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आपको इनके नोटिसेस आ रहे हैं तो कैसे रिप्लाई करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ऑनलाइन ऑफलाइन बिजनेस में क्या करना है। अब जूते, चप्पल, कपड़े, खाने पीने की चीज़ें बेच रहे हो ना, तो इस एक्ट को ध्यान से पढ़ने था। बहुत रिसेंट एक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है आप सब एंटरप्रेन्योर्स के लिए। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट किस पे अप्लाई होता है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। ऐसा कोई आदमी जो वेट मेजर कर रहा है, ट्रांजैक्शन कर रहा है, रिपेयर का काम कर रहा है, कुछ भी ऐसा आप काम कर रहे हो ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेचने का, जहाँ पे माल को आप पैक करते हो विदाउट कस्टमर, प्री पैक्ड माल, और कस्टमर को बाद में लेटर ऑन वो बेचा जा रहा है, तो आपको इस एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब इस एक्ट के मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि जो सामान आप पैक कर रहे हो उसका वेट सही है या नहीं है, मेजर ठीक है या नहीं है। फिर ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप उनको मार्केट में सेल करो। देखिए, मार्केट में होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ दिक्कत का आती है। आपने माल पैक करा 900 ग्राम, पैकेट पे लिख दिया 1 kg, तो वहाँ पे 100 kg का कस्टमर को नुकसान हो गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, अगर आप रजिस्ट्रेशन लेते हो और मार्केट में आप कुछ भी प्री पैक्ड बेच रहे हो, तो आपको सारे नॉर्म्स को फॉलो करना है कि पैकेट के अंदर कितने ग्राम है, कितने kg है, MRP उस पर लिखना जरूरी है, हर चीज़। अगर कपड़ा बेच रहे हो तो सेंटीमीटर कितना है, मीटर कितना है, प्रॉपर मेजरमेंट होना चाहिए। नहीं होंगे मेजर्स तो आपके ऊपर ये डिपार्टमेंट कार्रवाई करेगा, आपको सबसे पहले नोटिस भेजेगा जहाँ पे आपको पेश होने के लिए बोलेंगे, और अगर आप नहीं होते हो तो फिर आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। अब इसके अंदर दो तरह की कमोडिटी आती है, एक होती है प्री पैक्ड, एक होती है पैकर। प्री पैक्ड में क्या होता है, मेरे सामने कस्टमर था ही नहीं, मैंने फैक्ट्री में पैक करा, उसको सेल आउट कर दिया। दूसरा पैकर में क्या होता है, आपके पास कस्टमर आ रहा है बट आपने उससे पहले ही जो खुला मटेरियल था वो थैली में डाला, पैक करके दे दिया। तो अगर आप एक दुकान चला रहे हो जहाँ पे आप पैकिंग का काम भी कर रहे हो, तो भी आपको एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। बट हाँ, अगर कस्टमर आपके सामने खड़ा है, वेइंग मशीन आपके पास है, वहाँ पर उसके सामने आप पैक कर रहे हो, उसके सामने वेट ले रहे हो, हर चीज़ कर रहे हो, तो ये एक्ट आप पे अप्लाई नहीं होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। एक्ट की कुछ गाइडलाइंस है, जैसे आपको बताया था मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो सेक्शन 17 में आती है, एवरी मैन्युफैक्चरर, रिपेयर, डीलर जो भी है, उसके पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स होने चाहिए फैक्ट्री पे, रजिस्टर में वेट्स को लेके, मेजर को लेके, क्वांटिटी को लेके, लैब की टेस्टिंग को लेके, हर चीज़ उसके पास होनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं ना पार्ले जी का बिस्कुट है, तो कितने ग्राम शुगर है, ये सारा क्वांटिटी उनको मेंशन करना जरूरी होता है। फिर डिक्लेरेशन देना ऑन प्री पैक्ड कमोडिटीज, जो कि सेक्शन 18 में आता है, मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगी, आइटम इनलीगल तो नहीं है, पूरा उसको डिटेल में बताना है। एडवर्टाइजमेंट भी कर रहा है तो हर चीज़ अच्छे से बतानी है, और अगर एडवर्टाइजमेंट रिटेल प्राइस को मेंशन करती है तो उसको ये बताना है कि भैया इसमें टैक्सेस कितने हैं, ओके, टैक्सेस के बाद इसमें नेट प्राइस क्या है, उसके बाद ही वो मार्केट के अंदर पैक करके उस कमोडिटी को निकाल सकता है। और अगर आप इस एक्ट का उल्लंघन करते हो तो आपको 25,000 तक का फाइन हो सकता है और 6 months की जेल हो सकती है। देखिए, कोई बड़ा एक्ट नहीं है, 500 rupees की नॉर्मल गवर्नमेंट फीस लगती है, उसके बाद डिपार्टमेंट फीस लगती है, नॉर्मल जो लॉयर या अटॉर्नी या जो भी एजेंट आपका काम करता है उसकी फीस लगती है फॉर रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेट अंडर दिस एक्ट। तो अगर आप ऑनलाइन, मैं आपको फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप ऑनलाइन ई कॉमर्स का काम कर रहे हो जहाँ पे आप जूते, चप्पल, कपड़े बेच रहे हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए। अगर पैकिंग भी आप ही कर रहे हो, सब कुछ आप कर रहे हो, और ध्यान रखना वेबसाइट के ऊपर प्रॉपर डिटेल्स आपको डालनी पड़ेगी कि ये कपड़ा कितने सेंटीमीटर का है, इसका वेट क्या है, साइज़ क्या है, वो प्रॉपर होना चाहिए वेबसाइट के ऊपर। अगर वो सब नहीं है तो आपको नोटिस आ सकता है। अगर आप खाने पीने की चीज़ें बेच रहे हो तो भी डिटेल्स मेंशन करना जरूरी है। अगर आप जूते बेच रहे हो तो उसका साइज़ क्या है, सेंटीमीटर क्या है, वेट क्या है, सब ई कॉमर्स वेबसाइट पर आपके होना चाहिए। तो ये सारी नेसेसरी डिटेल्स है जो आपको मेंशन करनी पड़ेगी। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो करनी है एनी हाउ। अगर आप ऑनलाइन बेच रहे हो, पैकिंग आपके हाथ में है, तो आपको अपनी वेबसाइट में पूरा मेंशन करना है कस्टमर को देने से पहले, नहीं तो आपको इनसे लाइसेंस लेना है। फ्रेंड्स, अगर आप बिजनेस के अंदर कोई लीगल इशू फेस कर रहे हो तो आप हमें सीधा इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो। कोई भी तरह का लीगल इशू, आपको फसाई में दिक्कत आ रही है, IPR, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स में आ रही है, तो डायरेक्टली हमें इस नंबर के ऊपर कॉल करो। कैसे बिजनेस को आगे लेके जाना है, कौन कौन से लाइसेंसेस बिजनेस में चाहिए होते हैं,
उन सारी चीज़ों के अंदर हम आपकी मदद करते हैं। खाली आपको हमें इस नंबर के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप करना है, हमारी टीम आपसे कनेक्ट हो जाएगी। अगर आपके मन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। हम ट्राई करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर आप तक लेकर आए, और अगर मुझे आपका क्वेश्चन अच्छा लगा तो मैं ट्राई करूंगा कि उसके ऊपर डिटेल वीडियो चैनल के ऊपर ले आऊं, जिससे आप तक डिटेल में राइट इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। तो फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को तब सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।